दिस मैं सोनिका। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से क्या क्या चाहता है या किस किस चीज़ की उम्मीद करता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी आप किसी रिलेशन में होते हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की, हर किसी की अपने पार्टनर को लेके बहुत सी ज़रूरतें होती हैं। कई चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती हैं जो अपने पार्टनर से चाहते हैं कि उनका पार्टनर इनकी इन ज़रूरतों को पूरा करे या उन उम्मीदों पे खरा उतरे। तो आज की इस वीडियो में आपको इसी के बारे में बताने वाली हूँ कि जब कोई लड़का रिलेशनशिप में होता है तो उस टाइम अपनी गर्लफ्रेंड से क्या क्या चाहता है या किस किस चीज़ को उम्मीद करता है। तो इसके लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर कोई लड़का रिलेशन में होता है या उसकी गर्लफ्रेंड होती है तो उस टाइम ना वो अपने पार्टनर को लेके, अपनी गर्लफ्रेंड को लेके इस चीज़ की उम्मीद करता है कि उनकी पार्टनर जो है उनकी फिजिकल ज़रूरतों को पूरा करे। क्योंकि हर रिश्ते में ये नॉर्मल सी बात होती है, अगर आप किसी से रिलेशन में हो, आपका रिलेशन बहुत स्ट्रांग है। क्योंकि अगर आपका रिलेशन बहुत स्ट्रांग है, बहुत मजबूत है, आप जो है एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, तो उस टाइम ना अपने पार्टनर को लेके ये रिक्वायरमेंट होती है, एक्सपेक्टेशन होती है कि उनका पार्टनर उनकी इन ज़रूरतों को पूरा करे। तो इसलिए हर लड़का भी अपनी गर्लफ्रेंड से ये चाहता है कि उनकी गर्लफ्रेंड उनकी फिजिकल ज़रूरतों को पूरा करे। अगला पॉइंट है, तो फ्रेंड्स, जब भी कोई लड़का किसी रिलेशन में होता है ना, तो वो अपनी पार्टनर से या अपनी गर्लफ्रेंड से इस चीज़ की उम्मीद करता है या ये सोचता है कि उसकी पार्टनर जो है उनके इमोशंस को समझे, उनकी फीलिंग्स को समझे कि लड़का चाहता है क्या या उनका बॉयफ्रेंड उनसे किस चीज़ की उम्मीद करता है। तो इस चीज़ की उम्मीद ना हर किसी के साथ होती है, चाहे लड़का हो या लड़की, हर कोई अपने पार्टनर को लेके चाहता है कि उनका पार्टनर जो है उनकी इमोशंस को समझे। अगला पॉइंट है कि लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को ये भी सोचता है, उनके अपनी गर्लफ्रेंड को लेके ये भी चाहता है कि उनकी गर्लफ्रेंड उनसे किसी भी तरह का एटीट्यूड ना दिखाए, ईगो ना दिखाए। क्योंकि किसी भी रिलेशन में ना ईगो का कोई काम नहीं होना चाहिए, ईगो होना ही नहीं चाहिए। अगर आप एक दूसरे से सच में प्यार करते हो या आपका रिलेशन स्ट्रांग है, तो उस टाइम आपके रिलेशन में ईगो नहीं होना चाहिए। अगर आप एक दूसरे से प्यार करते हो तो उस टाइम ना हमेशा इस चीज़ की उम्मीद करो कि आप एक दूसरे को अच्छे से समझो, इमोशन को समझे, फीलिंग को समझो। इसमें एटीट्यूड की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो हर लड़का जो है अपनी गर्लफ्रेंड से ये चाहता है कि उनकी गर्लफ्रेंड उन्हें किसी चीज़ की घमंड ना दिखाए, किसी भी चीज़ का एटीट्यूड ना दिखाए, इस चीज़ का ध्यान रखो। अगला पॉइंट है कि हर लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर इस चीज़ की भी उम्मीद करता है, ये भी चाहता है कि उनकी जो पार्टनर है या उनकी जो गर्लफ्रेंड है उनसे किसी भी तरह का आर्ग्यूमेंट ना करे या पलट कर जवाब ना दे, या काउंटर अटैक ना करे या किसी भी चीज़ को लेकर कोई सवाल ना पूछे। इस चीज़ की उम्मीद हर पार्टनर, हर लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से करता है। अगला पॉइंट है कि हर लड़का जो भी रिलेशनशिप में होता है ना, वो अपनी गर्लफ्रेंड से इस चीज़ की उम्मीद करता है, ये चाहता है कि उनकी गर्लफ्रेंड उनसे बहुत सा प्यार करे, जिससे उनके रिलेशन में कभी प्यार की कमी ना हो, उनका रिलेशन स्ट्रांग हो, या उनके रिलेशन में कभी भी कोई भी ऐसा मनमुटाव ना हो जिसकी वजह से उनके रिलेशन में दरार पड़े। हर पार्टनर अपनी गर्लफ्रेंड से इस चीज़ की उम्मीद करता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो देखने के बाद अब तो आपको पता ही चल गया होगा कि एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से क्या क्या चाहता है या किस किस चीज़ की उम्मीद करता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।